साथियों, दरअसल हमारे जो सभी लोग जो साथ में आ रहे थे वो कुछ दिक्कत आ रही है ट्रैवलिंग के लेकर, तो कल का कार्यक्रम पोस्टपोन्ड हुआ है और वो एक या दो रोज बाद जो अगले कार्यक्रम जो लगे हुए हैं उनके साथ में ही पहले लखनऊ में से होते हुए फिर आगे जाएंगे। जी हाँ, मतलब जो आगे के प्रोग्राम लगे उसके लिए परमिशन के लिए हम लोगों ने अप्लाई कर रहे हैं और जैसी परमिशन हो जाएगी तो एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट क्षेत्र जो है वो सामने आ जाएगा, कहाँ से कहाँ करना है और किस तरह से करना है उसकी भी जानकारी हमें मिल जाएगी। देखिए, जाने के बहुत सारे रास्ते हैं जिसमें सड़क मार्ग भी है, जल मार्ग भी है ना, और हवाई मार्ग भी है, क्योंकि हाँ जहाँ जिस जगह से पहुँच सकते हैं, लेकिन बुनियादी ये है कि प्रियंका जी का ये मानना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में जो बिल्कुल इंटीरियर में जो लोग रहते हैं जिनके बारे में सिर्फ हम लोग चर्चाएं करते हैं और उनके साथ में सीधा संवाद नहीं कर पाते, उन लोगों से संवाद करना चाहते हैं। मैं ये बता रहा हूँ, कोशिश अभी तक हमारी ये है कि वो किस तरह से यहाँ से जाएंगे, कहाँ जाएंगे पहले ये जरा तय करना मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि उसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये इलेक्शन मोड है, आचार संहिता लग चुकी है, तो हमें कहाँ से कहाँ की परमिशन मिलती है और कैसे मिलती है, इस तरफ से उधर जाने की मिलती है, उधर से इधर आने की मिलती है, तो ये आपको कल तक इसकी जानकारी, अभी हमारे एक साथी गए थे जो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में गए थे और अभी वो टीम मिल के आई है और उन्होंने जो है वो जो कंसर्न्स जो ज़िले हैं उनको जो है वो अपना नोट जारी कर दिया है और वो नोट जारी करने के बाद में किस तरह से वो परमिशन देते हैं और फिर उसी तरह से आगे कार्रवाई की होगी और उसी तरह से कार्यक्रम बनाया जाएगा। तो होली पर यही रहे कि राजनीतिक मीटिंग ऐसा भी कई जगह चल रहा है, ट्रू? अब तो हमारे लिए पूरे देश के अंदर होली, दिवाली, ईद, अब चुनाव है और जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता है और जो जनता है वो आजकल अब जो है चुनाव के मूड में है, अब तो आप जो भी कहेंगे वो सब उन्हीं रंगों में एक रंग है। कुछ दिन पहले कपिल सिब्बल साहब ने बोला था कि देशद्रोह के कानून को हटाना चाहिए, सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि आपके अपने जो इलेक्शन का वो होने वाला है मैनिफेस्टो, उसमें भी इस तरीके की कुछ चीज़ें होने वाली हैं, आप लोग देशद्रोह कानून को हटाने के लिए कुछ करना? देखिए, जहाँ मैनिफेस्टो की बात होती है वहाँ सूत्रों के हवाले से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैनिफेस्टो एक बहुत बड़ी जिम्मेदार कमिटमेंट है, कपिल सिब्बल साहब ने कहा था, एक अहद है, एक वादा है, और कुछ लोग मैनिफेस्टो छाप देते हैं लेकिन छापने के बाद में 5 साल की सरकार होने रहने के बावजूद भी उन वादों को नहीं निभाते, चाहे किसानों को लागत का 1.5 गुना देने की बात रही हो, चाहे नौजवानों को रोजगार 2 करोड़ देने की बात रही हो, ये मैनिफेस्टो में लिख तो दिया था 2014 के चुनाव में लेकिन उन्होंने किया नहीं। कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार पार्टी है, वो सूत्रों से नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी के साथ में जो भी कहेगी या जो भी मैनिफेस्टो में आएगा, हमारे नेता ने तीनों राज्यों के अंदर जो तीनों प्रदेशों के अंदर आज कांग्रेस की सरकार आई है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, ये कहा था कि हम सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे और मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली, शपथ लेने के बाद घर बाद में गए, सबसे पहले उन्होंने कर्जा माफ़ किया और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है कि एक ही दिन में राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के 3 मुख्यमंत्रियों का शपथ समारोह खुद जो है उसको अटेंड किया और तीनों मुख्यमंत्रियों ने कर्जा माफ़ी की घोषणा की। सर, सपा कह रही कि महागठबंधन में आप उनके साथ ही हैं लेकिन आपका वही आरोप है कि आप लोग की एक टेबल पर बैठ के बात नहीं हुई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारा कोई आरोप नहीं, नहीं सुनने में आया कि आपने बोला कि एक टेबल पर बैठ के हमारी, हमने कोई आरोप नहीं, वे तो आप ही करते हैं, हमने तो कोई आरोप नहीं लगाया। सर, जो घटना, एक मिनट, प्रत्यारोप न लगाया,
ये सवाल बहुत गंभीर है। आपने कहा कि सपा बसपा कहती है कि हम गठबंधन में हैं। देखिए, जो उन्होंने गठबंधन जिसको वो कहते हैं, आप लोग तमाम कैमरों के साथ में उन गठबंधन के साथियों को कैमरे के सामने बैठे हुए देखा, उन पार्टियों को लोगों को आपने देखा, तो जनता ने भी देखा और आपने भी देखा। आप सवाल नहीं करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा कांग्रेस के साथ में गठबंधन है, लेकिन वो सही जनता को वो सही नहीं दिख रहा है। आपको सवाल करने पे मजबूर कर रहा है। आप बाकी बड़ी पार्टियां जो हैं, जो बहुत जो जिनके पास ताकत है, जिसमें जिनके पास में बहुत ताकत है, वो पार्टियां तीनों चारों जो भी हैं वो नज़र आ रही हैं, हमको बहुत ही छोटा मानते हैं, इसलिए वो हमारे साथ नहीं बैठ के बात करना चाहते। तो मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता भाई। अगर वो सोचते हैं कि उन्होंने दो सीटें छोड़ी हैं हमारे राष्ट्रीय नेताओं के बारे में, और हमारे नेताओं ने और हमने सब ने मिलकर उसका सम्मान किया है, और हम भी उनके लिए सीटें छोड़ें, क्यों नहीं छोड़ें। कांग्रेस पार्टी अगर कोई उसके लिए एक करता है तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए दो करेगी। कांग्रेस पार्टी अगर जो है अगर सामने वाला दो करेगा तो कांग्रेस पार्टी चार करेगी। अगर वो चार करते हैं तो हम आठ करेंगे। सर, अगर आप कह रहे हैं चार करते हैं तो आठ करते हैं, इस समय जो माहौल है। देखिए, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा, ये तो सवाल भी आपका है, जवाब भी आपका। ना हम सवाल इस सवाल से सहमत है, ना हम जवाब से सहमत है, क्योंकि हमें मालूम है कि जब उन्होंने कहा है तो उसको निभाएंगे, क्योंकि उन्होंने ही कहा है। अगर वो कहते हैं कि हमने जो बार बार उन्होंने सब जनता के बीच में कहा है, तो अब तो वो उनको तय करना है कि जो कहा है वो सही है, जो उनकी जबान से निकला है वो सही है, जो कर रहे हैं वो सही है। आपका सवाल बहुत लंबा हो गया, क्या कहा? एनडीए, यूपीए और थर्ड फ्रंट का देखा जाए 2019 के चुनाव को देखते हुए, तो बीजेपी की तरफ से बहुत ज्यादा रैली है, उन्होंने संवाद जिस तरीके से स्थापित किया, आप लोग 2019 के चुनाव में आने वाले समय में क्या रणनीति है, कैसे देख रहे हैं? हमारी कोई रणनीति नहीं है, जनता ने उसका फैसला कर लिया है। जनता का फैसला आपको पिछले तीन राज्यों के चुनाव में नजर आया, और जनता के फैसले के साथ हमें और हम पर जितनी हमारे में दम है, जितने हमारे पास में शक्ति है, हम जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। सर, आज ये कहा जा रहा है कि कल जो आप चंद्रशेखर रावण से मिले थे, प्रियंका गांधी और आप लोग गए थे, उससे नाराज है मायावती, और आज दो कैंडिडेट्स को उससे मिली है वो सुबह, जो रायबरेली और अमेठी से उतारे जा सकते हैं। देखिए, जहाँ तक दलितों पर उत्पीड़न की बात है, हम मायावती जी का सम्मान करते हैं। जब दलितों पर उत्पीड़न हुआ सहारनपुर में, तो मायावती जी वहाँ गई, राहुल जी को वहाँ नहीं जाने दिया गया, पुलिस ने रोक लिया था। हमने तो कोई टिप्पणी नहीं की थी, ना हमने कोई नाराज़गी दिखाई थी। अगर कल प्रियंका जी अगर जाती हैं तो इस पर किसी और को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, नाराज़गी क्यों दिखाएंगे? और जबकि प्रियंका जी ने बहुत साफ कहा है कि मैं अगर कोई नौजवान जो अपने हक और अपने समाज के हक की बात कर रहा है और उसकी आवाज़ को रोका जा रहा है, तो हम इसलिए आए कि उस कांग्रेस पूरी पार्टी उसके साथ में है, उसके लिए सहयोगी है, वो हमसे जिस तरह से चाहे हमारा सहयोग चाहे या ना मांगे, तब भी हम उसकी विचार के साथ में हैं। और हम किसी भी तरह से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो एक प्रणाली है वो गांधी से शुरू हुई है, राहुल गांधी तक आज हुई है, कि हम किसी समाज के किसी भी वर्ग को छोटा नहीं मानते, समाज के हर वर्ग को बराबरी के साथ में ऊंचाई की तरफ जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से टिप्पणी वहीं ख़त्म हो जाती है कि जब इतना सम्मानजनक जब रिश्ता बना दिया जाए, कि जब उस व्यक्ति जिसकी जिसकी तबीयत खराब थी, जिसको बहुत ज़्यादा परेशानी थी, अस्पताल में थे, और जब उन्होंने ट्वीट किया प्रियंका जी के जाने के बाद में, तो उसमें कितना सम्मानजनक रिश्ता है कि एक बहन अपने भाई से मिलने के लिए आई थी। तो इस पर किसकी टिप्पणी क्या होनी चाहिए? हमने तो कभी कोई टिप्पणी नहीं की। जब लालजी टंडन जी जो है मायावती जी से राखी बंधवाया करते थे, कितना पवित्र रिश्ता था, हमने तो आज तक कोई टिप्पणी नहीं की। तो मेरे ख्याल से किसी को ना नाराजगी करनी चाहिए और ना टिप्पणी करनी चाहिए। सर, चंद्रशेखर वाराणसी से चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, तो क्या आप सपोर्ट करेंगे अगर वो बनारस से उतरता? ऐसी कोई चर्चा हमारे सामने नहीं, ऐसी कोई चर्चा हमारे सामने नहीं हुई। हम राजनीतिक रूप से उनके पास में नहीं गए थे। सर, जिस तरह से रावण ने कहा कि प्रियंका बहन है हमारी, वो मिलने आई है, तो क्या आने वाले चुनाव में रावण कांग्रेस के लिए भी रैलियों में दिख सकते हैं, जमीन पे दिख सकते हैं? मुझे नहीं मालूम, ये बहन और भाई दोनों आपस में तय करेंगे। कांग्रेस पार्टी किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो गरीब की और जो मजलूम की आवाज़ उठा के बढ़ना चाहेगा, अपनी आवाज़ देगा,
हम उसको उसके साथ चलने को तैयार है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए।